हे गाइस, नवाज़ीर फ्रॉम thenerdhorn.com और ये है वेस्टवर्ल्ड सीजन 3 एपिसोड 2 का रीकैप। पिछले एपिसोड के रीकैप्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक्स को चेक करें। पिछले एपिसोड के एंड क्रेडिट सीन में हमने देखा था कि मेव एक वर्ल्ड वॉर 2 वाले थीम पार्क में है। एपिसोड 2 का सारा फोकस मेव की स्टोरी लाइन पर ही होगा। तो इस वाले थीम पार्क का नाम होता है वॉर वर्ल्ड। जैसे वेस्टर्न थीम पार्क का वेस्ट वर्ल्ड, उसी तरह से वर्ल्ड वॉर 2 थीम पार्क वाला वॉर वर्ल्ड। इधर वेस्ट वर्ल्ड में मेव एक सीक्रेट ब्रिटिश स्पाई का रोल प्ले कर रही होती है, बट ये अब भी पूरी तरह से सेल्फ अवेयर होती है। मतलब वो जानती है कि ये सब रियल में नहीं हो रहा है। फिर वहाँ पर हेक्टर आ जाता है, जो हमें लगा था कि पिछले सीजन में मर गया था। हेक्टर फिर मेव को बताता है कि उसके पास इस जगह से सुरक्षित बाहर निकलने का एक सीक्रेट नक्शा है। बाहर जर्मन सोल्जर्स इसी सीक्रेट नक्शे को चुराने वाले को ढूंढ रहे होते हैं। मेव कुछ सोल्जर्स को अपने माइंड से कंट्रोल करने की कोशिश करती है, बट ये टेक्निक उन पर काम नहीं करती। मेव को लगता है कि शायद वो अपने रोबोट होस्ट को कंट्रोल करने वाले सुपर पावर्स को खो चुकी है। ये दोनों फिर किसी तरह जर्मन सोल्जर से बचते बचाते वहाँ से भाग जाते हैं। और फिर हेक्टर मेव को एक प्लेन के पास ले जाता है। अंदर जाते ये लोग देखते हैं कि उस प्लेन के पायलट्स को किसी ने मार दिया है। और फिर हेक्टर मेव को इजाबेला के नाम से पुकारता है कि इजाबेला, तू टेंशन मत ले, मैं तुझे यहाँ से कैसे भी भगा कर ले जाऊँगा। और इधर मेव समझ जाती है कि हेक्टर अपना कंट्रोल पूरी तरह से खो चुका है और वो इस वॉर वर्ल्ड वाली स्टोरी में बस अपना कैरेक्टर प्ले कर रहा है। फिर कुछ जर्मन सोल्जर्स आकर उस प्लेन को घेर लेते हैं और हेक्टर से वो मैप लेकर उसे मार देते हैं, जिसके बाद मेव वो बंदूक उठाकर अपने आप को शूट करती है ताकि वो फिर से कंट्रोल सेंटर में जा सके। अपने प्लान के मुताबिक मेव कंट्रोल सेंटर में उड़ जाती है, जहां पर इसे वो टेक्नीशियंस मिलते हैं जिन्होंने इसे लास्ट सीजन में बचाया था। बट सरप्राइजिंगली ये दोनों भी टेक्नीशियंस मेव को देखकर अजीब सा बिहेव करते हैं और इसके पीछे सिक्योरिटी ऑफिसर्स लगा देते हैं। सिक्योरिटी वाले आकर फिर मेव को पकड़ लेते हैं, बट फिर वहां पर ली साइजमोर आकर उसे बचा लेता है। ली, जो यहाँ मौजूद सारे थीम पार्क की स्टोरी लिख रहा होता है, पिछले सीजन में गार्ड के हाथों मारा गया था। मेव इसे भी देखकर हैरान होती है कि तू जिंदा कैसे है। ली इसे बताता है कि मुझे बहुत सारी गोलियां लगी, बट मेरा दिल सुरक्षित था और यहाँ मौजूद टेक्नोलॉजी और मेडिकल ब्रेक थ्रूज की मदद से मैं किसी तरह बच गया, बट मुझे अब यह लकड़ी लेकर चलना पड़ता है। ली फिर इसे बताता है कि इसी ने मेव को वॉर वर्ल्ड भेजा था, क्योंकि वॉर वर्ल्ड के थीम पार्क के करीब ही फोर्ज मौजूद होता है। ये चाहता है कि मेव भी फोर्ज की मदद से उस होस्ट के पैराडाइज में जाकर अपनी बेटी से मिल सके। बर्नार्ड फिर वेस्ट वर्ल्ड के बैकडोर को यूज करके पार्क के अंदर घुस जाता है और जाकर सीधा फोर्ड के उस सीक्रेट लैब में चला जाता है जहां पर फोर्ड ने इसे बनाया था। इधर होते हैं बर्नार्ड के ढेर सारे फेल्ड मॉडल्स, जिसके पीछे बैठा होता है वेस्ट वर्ल्ड के सिक्योरिटी टीम का डायरेक्टर एशली। यह फैंस का शक बिल्कुल सही था, ये बंदा भी एक रोबोट होता है जिसे फोर्ड ने बनाया था बर्नार्ड और बाकी के होस्ट की रक्षा करने। बर्नार्ड के वेस्टवर्ल्ड से लापता होने के बाद एशली ने सुसाइड अटेम्प्ट करके अपने आप को मारने की कोशिश की, बट वो बुरी तरह से फेल होकर पैरालाइज्ड हो जाता है, क्योंकि बर्नार्ड के जाने के बाद इसके वजूद का कोई मकसद नहीं था। बर्नार्ड फिर इसको ठीक करता है और इसे बताता है कि वो वेस्टवर्ल्ड में मेव को ढूंढने आया है। बाहर असली दुनिया में डिलोरिस ने इंसानों के खिलाफ जंग छेड़ दी है और वो धीरे धीरे उन्हीं की टेक्नोलॉजी यूज करके उन पर राज करना चाहती है, और डिलोरिस को सिर्फ मेव ही टक्कर दे सकती है। तो अब समझा डिलोरिस क्यों हाथ धोकर रिहोबोम के पीछे पड़ी थी, क्योंकि सारे ह्यूमंस इसी एआई पर डिपेंडेंट है। एक बार डिलोरिस के हाथों इसका कंट्रोल आ गया तो वो इनडायरेक्टली सारी दुनिया कंट्रोल कर सकती है। ओ बाय द वे, हाथ धोने से याद आया, डोंट फॉरगेट टू वॉश योर हैंड्स। एशली फिर बर्नार्ड को बोलता है कि उसने मेव की रोबोट बॉडी को स्टोरेज सेंटर में देखा था, और फिर ये दोनों होस्ट के स्टोरेज सेंटर में जाते हैं। होल्ड ऑन, अगर मेव इधर स्टोरेज सेंटर में है तो उधर वॉर वर्ल्ड में कौन है? एशली और बर्नार्ड को फिर मेव की रोबोट बॉडी मिलती है, बट उसका डिजिटल दिमाग गायब होता है। मतलब उधर वॉर वर्ल्ड में मेव ही है। ली फिर से मेव को वॉर वर्ल्ड भेजता है, जहां पर मेव अपना ब्रिटिश स्पाई का स्टोरी लाइन और हेक्टर को वहीं छोड़कर ली के साथ फोर्ज चली जाती है। ली फिर इसे बोलता है कि चल फोर्ज को चालू कर और जाकर अपनी बेटी को मिल ले। ली को लगता है कि पिछले सीजन में मेव ने ही फोर्ज को यूज करके वो पैराडाइज का दरवाजा खोला था, बट मेव इसे बताती है कि मुझे नहीं पता फोर्ज को कैसे चालू करते हैं, आई थिंक वो काम डिलोरिस ने किया था। याद है डिलोरिस ने जाने से पहले टेडी के दिमाग के साथ साथ सारे होस्ट का डेटा एक सीक्रेट सर्वर लोकेशन पर ट्रांसमिट किया था, जिसके कोऑर्डिनेट्स यानी लोकेशन सिर्फ डिलोरिस को ही पता है। इसके बाद ली अजीबो वाली हरकतें करने लगता है और मेव को बोलता है कि वो उससे प्यार करता है, और इधर मेव को सारा गेम समझ में आता है। ली पिछले सीजन में वाकई में मर गया था और ये वाला ली एक रोबोट है जो बस अपनी स्टोरी फॉलो कर रहा है। इसको मेव से कोई प्यार वैर नहीं है, ये बस वही कर रहा है जिसके लिए इसे प्रोग्राम किया गया है।
म्यूवीर ये बात ली को समझाती है, जिसके बाद उसका सिस्टम हैंग होने लगता है, बिल्कुल उसी तरह जैसे पिछले सीजन में डेलॉस के रोबोट वर्जन का सिस्टम हैंग हुआ था। बट ली के सिस्टम के साथ साथ आसपास के एरिया में भी ग्लीचेस आने लगते हैं और यहाँ मेव को दूसरा झटका लगता है। इधर कुछ भी रियल नहीं है, वो सारे के सारे एक डिजिटल सिमुलेशन में है, लाइक अ मैट्रिक्स। मेव को फिर समझ आता है कि ये वाला वर्चुअल वर्ल्ड ज़्यादा कॉम्प्लेक्स डेटा हैंडल नहीं कर सकता और बस थोड़ी सी प्लानिंग के साथ इसके सिस्टम को पूरी तरह से क्रैश किया जा सकता है। बर्नार्ड फिर एशली को बोलता है कि उसे अपना सिस्टम लॉक चेक करने और मेव को ढूंढने के लिए एक टैबलेट कंप्यूटर की ज़रूरत है, जिसकी तलाश में ये दोनों पार्क 4 के कंट्रोल सेंटर जाते हैं। इन लोगों ने हर एक थीम पार्क को एक नंबर दिया होता है। पार्क 4 होता है प्राचीन जमाने वाला थीम पार्क और यहाँ कन्फर्म होती है फैंस की एक माइंड ब्लोइंग थियोरी। तो जब से वेस्टवर्ल्ड आया है फैंस के बीच एक पॉपुलर थियोरी थी कि क्या होगा अगर हमें पता चले कि गेम ऑफ थ्रोन्स भी वेस्टवर्ल्ड के एक थीम पार्क का हिस्सा है। मतलब इन्होंने जॉर्ज आर आर मार्टिन की बुक्स पढ़ के उसके लिए भी एक डेडिकेटेड थीम पार्क बना दिया। बस समझो HBO ने फैंस की सुन ली। बर्नार्ड और एशली जब पार्क 4 के कंट्रोल सेंटर में घूम रहे होते हैं तब एक लैब में दो टेक्नीशियंस बैठकर उनके ड्रैगन को कोस्टा रिका में एक खरीदार को बेचने की प्लानिंग कर रहे होते हैं। यहाँ पर हमारे जैसे पॉप कल्चर नर्ड्स के लिए तीन माइंड ब्लोइंग चीज़ें हो रही हैं। पहला, वो तो टेक्नीशियंस कोई और नहीं बल्कि गेम ऑफ थ्रोन्स के क्रिएटर्स डैन एंड डेव हैं। दूसरा, जिस ड्रैगन को वो लोग बेचने की बात कर रहे हैं वो ड्रैगन है ड्रोगोन। और तीसरी और सबसे माइंड ब्लोइंग चीज़, ये लोग ड्रोगोन को कोस्टा रिका भेज रहे होते हैं। और जो लोग नहीं जानते, जुरासिक पार्क भी कोस्टा रिका में ही है। ओके, अब नर्डगैज़म बंद करते हैं और शो के एक्चुअल स्टोरी की तरफ चलते हैं। बर्नार्ड फिर वहां पर एक टैबलेट मिल जाता है जिसकी मदद से ये लोग मेव को ढूंढते हैं। एज एक्सपेक्टेड मेव वहां नहीं होती। इंटरेस्टिंगली मेव वेस्टवर्ल्ड ही नहीं बल्कि वहां मौजूद किसी भी पार्क में नहीं होती। फिर इन दोनों को लगता है कि शायद डिलोरिस मेव के डिजिटल माइंड को अपने साथ असली दुनिया में लेकर चली गई। फिर बर्नार्ड उस टैबलेट की मदद से अपना फुल सिस्टम चेक करता है। ऑब्वियसली इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, तो जब तक एशली वहाँ खड़ा उसकी रक्षा कर रहा होता है। फिर वहाँ पर कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स आ जाते हैं और देखते ही बर्नार्ड को पहचान लेते हैं। फिर एशली वहाँ मौजूद एक कुलाड़ी उठाकर गार्ड्स को वहाँ से भगा देता है। बर्नार्ड इधर अपना फुल सिस्टम स्कैन कर रहा होता है कि तभी उसे पिछले सीजन के एंडिंग वाले कुछ फ्लैशबैक्स आते हैं, जिसमें वो देखता है कि डिलोरिस होस्ट का डेटा कोई सीक्रेट सर्वर लोकेशन पर भेज रही है और वो इनसाइट के CEO के बारे में सारी जानकारी इकट्ठा कर रही है। बट इससे पहले कि उसके मेमोरीज ठीक से रिकवर हो, एशली उसका स्कैन रोक देता है और उसे वहाँ से भागने के लिए कहता है। बर्नार्ड फिर एशली को रीप्रोग्राम करता है और अपना पर्सनल गार्ड कम पार्टनर बना के उसे भी रियल वर्ल्ड में लेके चला जाता है। उधर वॉर वर्ल्ड में मेव और ली अब पूरी सिस्टम को क्रैश करने का प्लान बनाते हैं। तो ये लोग जिस सिमुलेशन में हैं वो बस बेसिक स्टोरी रन करे इतना ही पावरफुल होता है। मतलब जैसे ही ली को पता चला कि वो इंसान नहीं रोबोट है, उसने अपनी बेसिक स्टोरी लाइन छोड़कर उस नई इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करना शुरू किया। नई इन्फॉर्मेशन मतलब एडिशनल प्रोसेसिंग पावर। सिस्टम को जितनी नई इन्फॉर्मेशन दोगे उतना ही ज़्यादा पावर लगेगा। आसान भाषा में ये बिल्कुल मेरे लैपटॉप जैसा है जो मुश्किल से गूगल क्रोम खोल पाता है। और मेव का प्लान है कि मेरे लैपटॉप पर गूगल क्रोम के 1000 नए टैब्स ओपन करके उसमें अलग अलग साइमल्टेनियसली यूट्यूब वीडियो चलाना। बस फिर इसी कंसेप्ट को मेव वॉर वर्ल्ड में यूज़ करती है। वॉर वर्ल्ड की मेन स्टोरी लाइन ये होती है कि कुछ जर्मन सोल्जर्स एक नक्शा चोर ब्रिटिश स्पाई को ढूंढ रहे होते हैं। उनका दिमाग और सिस्टम बस इतना ही डेटा हैंडल कर सकता है। नक्शे को ढूंढो और गद्दार को मार दो। मेव फिर कंट्रोल सेंटर जाकर छुपके से उस नक्शे के ढेर सारे कॉपीज सारे सोल्जर्स के जेब में डाल देती है। और फिर जब वॉर वर्ल्ड में सोल्जर्स इसे और हेक्टर को पकड़ते हैं तो ये सबको बोलती है कि सारे अपने जेब चेक करो, तुम सब ने नक्शा चुराया है, तुम सारे गद्दार हो। ये सब लोग अपने जेब में मिला नक्शा देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं और सिस्टम पर ज़बरदस्त लोड आता है और फिर सब कुछ फ्रीज हो जाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे मेरा लैपटॉप 1000 क्रोम टैब्स ओपन करने के बाद फ्रीज होगा। सिस्टम के क्रैश होते ही मेव उसके मेन सर्वर्स को हैक कर लेती है जो बाहर असली दुनिया में मौजूद होता है। यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज है, तो वेस्टवर्ल्ड के क्रिएटर्स ने असली दुनिया और सिमुलेशन वाली दुनिया में डिफरेंस दिखाने के लिए एक कमाल की टेक्निक यूज की है। तो असली दुनिया के सारे शॉट फुल स्फेरिकल रेशो में होते हैं, मतलब फुल स्क्रीन, और मेव की डिजिटल सिमुलेशन वाले सारे शॉट्स स्क्रॉब्ड वाइड एंगल एनामॉर्फिक एस्पेक्ट रेशो में होते हैं, मतलब ये ऊपर वाले ब्लैक बार्स। मैक्सिमम मूवीज इसी लेटर बॉक्स स्टाइल रेशो को यूज करते हैं।
मेयो फिर रियल वर्ल्ड के सर्वर रूम में मौजूद सर्विलेंस कैमरे को हैक करके देखती है कि उसका दिमाग किसी टेस्टिंग रिग थ्रू सिस्टम से अटैच्ड है। फिर वो वहां मौजूद एक रोबोट को हैक करके अपना दिमाग इस रिग से निकाल देती है और बाहर भागती है। बट बाहर निकलते ही कुछ गार्ड्स उस रोबोट को गोलियों से भून डालते हैं और मेयो का दिमाग जमीन पर गिर जाता है। फिर जब मेयो की आंखें खुलती हैं तो वो अपने आप को इस न्यू क्लासी वाइट ड्रेस में किसी के घर में पाती है। ये घर होता है रेहोबोम के क्रिएटर और इसके एडमिन सिराग का। ये वही इनसाइड के सीईओ के पिताजी का पार्टनर है। ये फिर मेयो को बताता है कि मेरा बनाया हुआ एआई इंसानों के सारे थॉट्स प्रिडिक्ट करके फ्यूचर बताता है। बट रिसेंटली दुनिया में एक ऐसा आज़ाद दिमाग आया है जिसकी हरकतों को मेरा एआई प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहा है, मतलब डिलोरिस। और इसी का सामना करने सिराग ने मेयो को यहाँ लाया है। मेयो फिर उसे बताती है कि मुझे नहीं पढ़ना तेरे लफड़े में, और वो सिराग पर हमला करने की कोशिश करती है। बट फिर वो एक बटन दबा कर ही मेयो को वहाँ पर रुका देता है और उसे बताता है कि तेरा सारा कंट्रोल अब मेरे हाथ में है, हम दोनों एक ही लड़ाई का हिस्सा है, तो अच्छा होगा कि तू विलिंगली इसमें मेरा साथ दे। और यहाँ होता है एपिसोड 2 खत्म। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। मैंने ऐसे और भी वीडियोस बनाए जिनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड आई एम होपिंग टू सी यू इन माई नेक्स्ट वन।